हाय गाइस, आज मैं यहाँ पे और एक व्लॉग के साथ आई हूँ। कैसा चल रहा है आपका लाइफ? मेरा तो मैं फिर से आज कुछ बनाने वाली हूँ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये इसे तो आप पहचानते ही होंगे, व्हाट इज दिस? जी हाँ, दीज आर करी लीव, जो कि करी में, सब्जियों में यूज किए जाते हैं। तो मैं ये थोड़े से करी लीव्स यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ। ये देखो, बढ़िया से अच्छे लग रहे हैं ना। इट्स अ ट्विग ऑफ करी लीव्स, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और ताज़े हैं। तो मैं बना रही हूँ दाल कांदा। दाल कांदा मतलब ये दाल है, तूर की दाल है, इसकी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो आपके साथ बात करते करते मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैं ये करी लीव्स पहले सेपरेट करके रखूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये करी लीव्स अच्छे से सेपरेट करके रखे हैं। ये लीव्स लिए हैं, उसकी जो स्टिक थी, जो डंडी थी, वो मैंने फेंक दी है। वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ठीक है, हमारे पास अभी बहुत सारा करी लीव्स है। करी लीव्स खाने में यूज करना बहुत ही अच्छा होता है, उसके मेडिसिनल्स और फंक्शनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये जो पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता, उसके अपने लाइफ में। ये मैंने यहाँ पे पतीला रखा है, इसमें मैंने तेल डाल के अभी से गरम करने के लिए रखूंगी और मैं देने वाली हूँ तड़का। तब तक मैं आपको करी लीव्स के फायदे बताती हूँ। करी लीव्स जो है वो ब्लड प्रेशर को घटाता है, करी लीव्स कोलेस्ट्रॉल भी घटाता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे हमारी सेहत, जैसे डायबिटीज भी इससे कम होता है और सेहत बहुत अच्छी रहती है। हमारा लीवर फंक्शनिंग अच्छा रहता है करी लीव्स से, डायबिटीज भी लोअर करता है, हमारी जो ब्लड शुगर लेवल होती है वो भी करी लीव्स लोअर करता है। इसीलिए खाने में इसका प्रयोग, यूज करना बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ पे मैं मारने वाली हूँ तड़का अभी। आप सोच रहे होंगे ये बैंगन मैंने किस लिए रखे हैं, तो ये बैंगन के मैं बाद में चिप्स बनाऊंगी। रवा फ्राई बैंगन बनाने वाली हूँ आज मैं, जैसे फिश फ्राई होता है उसकी तरह। तो उसके लिए मैंने ये बैंगन निकाल के रखे है, इसको तड़का मार के फिर इसे काटने लगूंगी मैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, इसमें जाएगा अभी थोड़ा सा ये जीरा। जीरे को अच्छे से चटकाना होता है, जीरा भी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और हींग भी सेहत के लिए बढ़िया होता है। आप लोग ये सारी चीज़ें अपने खाने में डालते हो ना, नहीं डाल रहे हो तो डालना शुरू कर दो। अब जाएगा इसमें कड़ी पत्ता और ये बढ़िया सा कटकेगा। ये देखो कैसे कट रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही ये तेल में गया ये चटक गया, और उसके बाद इसकी खुशबू तो भाई इतनी बढ़िया आ रही है। आई विश आप उसकी इसकी खुशबू ले पाते, बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब जाएगी इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, और ये जाएगा मेरा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर छोटे 3 टेबलस्पून जितना, 3 स्पून जितना मैं डालूंगी। थोड़ा सा तेल में हम एक उबाल लाएंगे मसालों को, मसाले पकाएंगे थोड़े। धनिया पाउडर भी हमारे किडनी के लिए अच्छा होता है, धनिया का पानी पिलाते हैं जब किडनी में पथरी होती है तब। तो ये मेरे मसाले थोड़े से पक चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे मसाले पक चुके हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर जाएगी इसमें, और अब इसमें जाएगा ये दाल जो मैंने भिगो के रखी थी। ये सारी दाल मैंने डाल दी इसमें, दाल चली गई है। अब दाल को हम भूनेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो ये दाल को मैंने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है, अच्छे से सॉटे कर लिया है, मिला चुकी हूँ मैं। इसमें डालूंगी मैं पानी, ताकि हम इसे पका सकें। ये गया मेरा पानी, अब मैं इसे ढक के रखूंगी, एक उबाल आना है पहले। तो
ऐसे मेरा रोज का दिन चलता है. दिस इज वॉट आई डू इन अ डे. दीज आर माई डेली एक्टिविटीज. आई एम कुकिंग. कुकिंग तो है ही मेरा. शाम को मैंने चाय ली. चाय के साथ थोड़ी सी मूंग दाल खाई थी. उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं रात के खाने के लिए. तो अभी मैं ये बना रही हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हो एक बढ़िया सा उबाल आ रखा है यहाँ पे. अभी थोड़ा सा मैं लो टेम्परेचर करके इसे ढक करके पकाने के लिए छोड़ दूंगी. तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा दाल कांदा तैयार हो चुका है. भले ही इसकी कांदा ना हो, मैं कांदा ऊपर से काट के डालने वाली हूँ. आप देख सकते हो ये मेरी दाल कांदे की सब्जी तैयार है. आप भी अपने घर में ये बना के देखना, आपको पसंद आती है तो. ऐसे हेल्दी खाना खाना घर. ये बनाने में कितना, 2 मिनट का वक्त लगता है. 2 मिनट में जैसे मैगी बनती है, और मैगी तो कभी 2 मिनट में नहीं बनी है आज तक. तो ऐसे ही घर में बनाना और हेल्दी खाना खाना. ये देखिए मैंने यहाँ पे बैंगन भी काट के रखे हैं. अभी इसका मैं बनाऊंगी कापा रवा फ्राई. तो ये है रेडी. याम याम. चलो फिर आप ही बना के खाना. तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा दाल कांदा तैयार हो चुका है. भले ही इसकी कांदा ना हो, मैं कांदा ऊपर से काट के डालने वाली हूँ. आप देख सकते हो ये मेरी दाल कांदे की सब्जी तैयार है. आप भी अपने घर में ये बना के देखना, आपको पसंद आती है तो. ऐसे हेल्दी खाना खाना घर. ये बनाने में कितना, 2 मिनट का वक्त लगता है. 2 मिनट में जैसे मैगी बनती है, और मैगी तो कभी 2 मिनट में नहीं बनी है आज तक. तो ऐसे ही घर में बनाना और हेल्दी खाना खाना. ये देखिए मैंने यहाँ पे बैंगन भी काट के रखे हैं. अभी इसका मैं बनाऊंगी कापा रवा फ्राई. तो ये है रेडी. याम याम. चलो फिर आप ही बना के खाना.